नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। उपायुक्त प्रदीप कुमार व पुलिस अधीक्षक भूपेंद्र सिंह ने आज सिरसा शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया और लॉकडाउन की स्थिति का जायजा लिया। उपायुक्त व पुलिस अधीक्षक ने शहर के विभिन्न हिस्सों का दौरा करते हुए सिरसा के नागरिक अस्पताल का भी औचक निरीक्षण किया। उन्होंने आयुष विंग में जाकर के टीकाकरण अभियान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और इमरजेंसी वार्ड में भी व्यवस्था जांची। डीसी व एसपी ने सीएमओ कार्यालय में सीएमओ डॉक्टर मनीष बंसल सहित अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक बैठक भी ली। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उपायुक्त प्रदीप कुमार ने बताया कि मेडिकल स्टोर के निरीक्षण के दौरान पाया गया कि रोगियों एवं उनके परिजनों से दवाओं के उचित दाम भी लिए जा रहे हैं। इसके साथ साथ निजी अस्पतालों में कोविड 19 के उपचार के लिए जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित रेटों पर ही रोगियों का उपचार किया जा रहा है। सीटी स्कैन के लिए प्रशासन द्वारा शहर के डायग्नोस्टिक लैब संचालकों से बातचीत कर 2200 रुपये रेट निर्धारित किया गया। अस्पतालों में बेड व निजी एम्बुलेंस रेट भी निर्धारित किए गए हैं ताकि रोगियों को उपचारों में कोई भी असुविधा न हो सके। वहीं जिले में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है और ज़रूरत के अनुसार अस्पतालों में ऑक्सीजन भी उपलब्ध करवाई जा रही है। पल पल सिरसा से अमर सिंह जानी की विशेष रिपोर्ट। आज हमारी पूरी टीम ने पूरे शहर का राउंड लिया और हमने रास्ते में मेडिसिन की शॉप्स के ऊपर जो पेशेंट्स के फैमिली मेंबर्स थे मेडिसिन परचेज कर रहे थे उनसे बातचीत की कि किसी तरह के रेट्स ज़्यादा तो नहीं लिए जा रहे हैं, पर उन्होंने बताया कि रेट्स बिल्कुल जेन्युइन हैं। उनसे हमने दूसरे रेट्स भी पूछा कि भाई सिटी स्कैन के रेट्स भी जो हमने लागू किए हैं तो 3 से 4 हज़ार लेते थे, 2200 रुपये फिक्स किए मैंने, उसके बारे में उन्होंने बताया कि नहीं इतने 2200 लिए जा रहे। इसी तरह का और भी जो हॉस्पिटल के बेड्स हैं उनके रेट भी हमने कम किए, उनके बारे में भी उन लोगों से पूछताछ की तो वो बड़े सेटिस्फाइड थे कि भी जो हम लागू किए हैं वही लिए जा रहे हैं। और शहर का राउंड लिया वहाँ का दुकानों का, तो मेडिसिन शॉप्स हैं किरियाना की हैं, कुछ वही शॉप्स हैं, बाकी सब भी बंद हैं और पेशेंट्स के नियर डियर ही बाहर मार्केट में थे, बाकी और कोई ज़्यादा नहीं थे। एक्चुअली हर रोज़ पेशेंट्स की संख्या बढ़ रही है, लेकिन फिर भी हमारी 2 टन से शुरुआत हुई थी, अब हमने काफ़ी कोशिश करने के बाद 6 टन हमें मिल रही है, तो उसके लिए मैं और मेरी टीम पूरी रेगुलर टच में है, हमें हिसार से लेकर आते हैं। तो इसका अभी इसलिए आए हैं सीमो साहब से अपनी टीम से बात करने के लिए कि इसका प्रॉपर यूज़ करें, थोड़ा सा भी ज़्यादा यूज होने से एकदम सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो ओवरऑल मेरे भी बात होती रहती है बहुत सारे पेशेंट से, तो सभी पेशेंट्स सेटिस्फाइड हैं, लेकिन फिर भी कुछ कमियां हैं, उनको हम बैठ के बातचीत करके दूर करेंगे। तरफ से हमारे पास प्रपोजल आया था कि हम ये सेटअप करेंगे, उनको ले जगह देनी थी वो दे दिए और वो सेटअप करेंगे। इसके साथ साथ जो ज्वाला गैस वाला है वो ऑलरेडी रीफिलिंग प्लांट तो है उसके पास, उसके साथ साथ वो एक और प्लांट लगा रहा है जो वातावरण की एयर है उससे ऑक्सीजन तैयार करेगा। उसमें उनके मैकेनिक लगे हुए हैं पर मिनिमम टाइम 15 दिन लग जाएगा उसको तैयार होने में, वो तैयार हो जाएगा तो हमें रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं पड़ेगी और कम से कम 250 सिलेंडर हमारे भरे जाएंगे वहाँ से। अतिरिक्त बेड्स की अरेंजमेंट हमने ऐसे तो JCD हॉस्पिटल भी कल शाम को शुरुआत कर दिया है और वहाँ पर डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ सब डेप्यूट हो गए हैं, तो जैसे पेशेंट्स यहाँ थोड़े कम सीवियर होंगे उनको हम वहाँ पर शिफ्ट करने कर रहे हैं कल से, तो शुरुआत हो गए। वो तारा बाबा हॉस्पिटल भी मंडे से शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके लिए हमें ऑक्सीजन की पहले से अरेंजमेंट करना पड़ेगा, तो वो रिक्वेस्ट दी हुई है गवर्नमेंट को, तो उसको शुरुआत करने का तभी बेनिफिट होगा जब ऑक्सीजन की सप्लाई हमें पूर्ण मात्रा में मिलेगी।